सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब मज़े में होंगे और खुश होंगे। चलिए जी, अभी एक्सप्लोर करने चलते हैं सिबू। इसको सिबू भी बोलते हैं, सिबहू भी बोल देते हैं। रोमेनियन लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग तरीके से बोल देते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये टोटल रेजिडेंस एरिया है सिबू का। तो क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं किसी के घर पे होस्ट हुआ हूँ। थोड़ा बहुत मैं काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस करता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे बरासो में मैं हॉस्टल में रुका था, तो आने वाले एक दो शहरों में मैं होटल में रुकूंगा। थोड़ा सा अलग अलग एक्सपीरियंस करते रहते हैं। कई बार थोड़ा सा चेंज चाहिए होता, थक जाते हैं, तो इस वजह से चेंज के लिए इस बार एक दिन के लिए मैं एक्चुअली रुकने वाला था। बट प्लान मेरा एक दिन का है, पर होपफुली शायद मैं दो दिन रुकूंगा। जैसे कि हर शहर में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे भी एक ओल्ड टाउन है, पहले वो एक्सप्लोर करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे वेदर बड़ा कोल्ड हो गया है, बड़ा शानदार वेदर है, इंजॉय करने वाला वेदर है। कि आप वॉकिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो अभी यहाँ पे भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे बस लेंगे, मेरे ख्याल से कुछ 14 नंबर बस मिलती है, वो अपने को डाउनटाउन उतारेगी। वहाँ से फिर वॉकिंग करके हम डाउनटाउन घूमेंगे। आज लगी है भूख, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ, लंच भी स्किप किया हुआ है। एरिया देखो कितना खूबसूरत है। चलिए जी, मिलते हैं आपको डाउनटाउन के अंदर। आज लगी थी भूख बहुत ज़्यादा, आपको बताया था, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों स्किप किया था। जो मेरे होस्ट मेरे को ना कि यहाँ पे बहुत बढ़िया सैंडविच शॉप है, तो ये इसका नाम है मैस्ट्रो। इनके सैंडविच बड़े अच्छे हैं, ये जैसे टर्किश सैंडविच आते हैं ना, लाइक दिस। ये पिज़्ज़ा आ गया चीज़ वाला, ये चिकन वाला आ गया, ये बेबी कॉर्न्स आ गया। बट ये एक्सपेंसिव है, 300 to 400 है। ये पिज़्ज़ा स्लाइसेस भी आप यहाँ ले सकते हो। इनके पास एक और चीज़ है, आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ और चीज़ है अगर आप बहुत ज़्यादा बजट में जाना चाहते हो तो। ये प्लेन रोटी है, ये चार से लेके 5 रोनी की है, अप्रॉक्सीमेट समझ के चलो 80 से 100 रुपए की। इसके अंदर वो जैम भर के भी बना रहे हैं, तो ये आपका बजट में काम कर देगा। और डेफिनेटली अगर आप सिबू आ रहे हो तो इसको जरूर ट्राई करना, ये बहुत फेमस है यहाँ पे। अभी लेंगे कॉफ़ी, एंड ये हमारे होस्ट आप मिले ही हो लास्ट वीडियो में। तो अभी कॉफ़ी लेके इसको पहले खाएंगे, फिर आगे हम सिबू का ब्लॉग शुरू करेंगे। मैं कहा यार, मैं पहले खाना तो ले लिया, मैं आप लोगों को शूट दिखा दूं ये बड़ा फेमस सैंडविच वाला, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊंगा। ये एक कॉफ़ी शॉप पे लेके आए हैं, ये भी बड़ी फेमस कॉफ़ी शॉप है यहाँ की। ये मैंने कैपेचिनो लिया, ये बना रहे हैं बेसिकली प्रॉपरली कैपेचिनो। तो मैंने थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग खाई है, प्राइसेस इनके बहुत कम है। कैपेचिनो 180 की, 180 ml की, 9 रोमेनियन की है। और अदर कॉफ़ी कहते शहर में इसकी सबसे बढ़िया है और सबसे कम प्राइस है। जितनी कॉफ़ी की क्वालिटी अच्छी है उतने प्राइसेस कम है। लोकल पर्सन के साथ एक्सप्लोर करने का यही मज़ा आ जाता है कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट और कम प्राइस में मिल जाता है। ये सिबू की जी सिटी दीवार है, जो बहुत पुरानी बनी हुई है। एक्चुअली ये एक ऊपर टावर को जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे टावर है सिबू का, पहले तो ये खुला था बिफोर कोविड। इसके ऊपर 5 रोमेनियन जाने की टिकट लगती थी, और आप ऊपर जाके ना ये देखिए, पूरे सिबू का आपको यहाँ से व्यू मिलता था। ये बड़ी ओल्ड टाउन की यहाँ की शुरुआत हो जाती है, यहाँ से मेजर ओल्ड टाउन शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत है, वो भी एक ऊपर वहाँ पे भी टावर है। ये तकरीबन 14th सेंचुरी में बना था, काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल है। ये जितना भी आप ओल्ड टाउन देख रहे हो, इसमें मोस्टली बिल्डिंग जो है ना, समझ के चलिए अप्रॉक्सीमेट सब 1000 साल से लेके 800 साल 900 साल तक की पुरानी है। ओल्ड टाउन को इतना इन्होंने प्रिजर्वेटिव इतना संभाल के रखा कि आपको पूरी ओल्ड टाउन की वाइब देते हैं। आपको ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कि उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन की हुई है या पुराना एक तरीके का हटा दिया है। मेजर यहाँ पे एक सिटी स्केयर है, वो भी आपको वहाँ लेके चलता हूँ, वो भी बड़ा खूबसूरत है। और सिटी स्केयर के अंदर जितने कैफ़े हाउस बने हैं और जितने बार्स बने हैं, आप बहुत प्यार से वहाँ बैठ के कॉफ़ी वगैरह इंजॉय कर सकते हो। आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए मैं मेन सिबू आया हूँ, जो मैंने पिक्चर्स में देखी थी, वीडियोज़ में देखी थी।
मतलब कि यहाँ पे ना आँखों वाले घर बने हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले तो आप ये सेंटर पॉइंट देखिए, ये मेन सीबू का सबसे पुराना सेंटर पॉइंट है। जैसे ब्रासो में था सिमिलर ही है, बट ये थोड़ा सी वाइब इसकी अलग है कि वहाँ पे फाउंटेन था, कवर था, यहाँ पे फाउंटेन दूसरा है। आज बारिश की वजह से सारा काम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बट यहाँ की जो जैसे ब्रासो में थोड़ी सी हेरिटेज लुक कम नज़र आती है, इसमें हेरिटेज लुक बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको बिल्डिंग्स के अंदर ये आँखें बनी नज़र आ रही हैं, तो मैं एक सेकंड आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मेजर सीबू की खासियत है जी, इनको आँखों वाली बिल्डिंग्स बोलते हैं। ये सब जितनी भी बिल्डिंग है यहाँ पे, मतलब के धुआं निकलने के लिए, क्योंकि विंटर यहाँ पे बड़ा सख्त होता है, -25-30 तक टेम्परेचर जाता है, तो विंटर के लिए इन्होंने रक्षण के लिए रखी होती जगह कि सो दैट आराम से जो अंदर की सफोकेशन या धुआं है तो वो निकल सके यहाँ से। ये यहाँ की खासियत है जी, क्या कह लो सीबू की, इन बिल्डिंग्स की, इन्हीं बिल्डिंग्स को देखने के लोग यहाँ पे आते हैं बहुत ज़्यादा। करीबन ये सेंटर है जी 1000 ईयर पुराना है, बट समय समय पे इस यहाँ पे बहुत से हमले होते रहे। ऑटोमन एम्पायर ने भी इसको डिस्ट्रॉय किया, फिर रोमेनियन ने इसको बहुत, रोम का कब्जा रहा, फिर हंगेरियन का कब्जा रहा, बट फिर भी ये फिर दोबारा रेनोवेशन करके बनाते रहे। बट इसकी खूबसूरती अपनी ही है, ब्रासो जैसे ओवर क्राउडी था, ये बहुत लेस क्राउडी है। बट मे बी ये था कि ब्रासो में मैं वीकेंड पे था, यहाँ पे वीक स्टार्ट हुआ आज मंडे, अब ब्रासो में मैं सैटरडे संडे था, बट ये बिल्डिंग्स देखने के लिए अपना मन खुश हो जाता है। और यहाँ पे आपको दुनिया भर की कुजीन मिल जाएगी, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी दो हैं, बट हाँ लिटिल वो एक्सपेंसिव है काफ़ी। ये यहाँ का मेन बिल्डिंग्स है, ये यहाँ का क्लॉक टावर आ गया जी। यहाँ आपको मतलब कि खूबसूरती बहुत नज़र आएगी, मतलब कि ये कह सकते हो कि आपको देखने का मज़ा आएगा यहाँ पे घूमने का। अभी लंच हमने कर ही लिया था आपके सामने, और यह आपको बात करनी भूल गया, सैंडविच बड़ा ही शानदार था। वो एक बंदे की मतलब के खुराक नहीं है, दो बंदे खा सकते हैं। हाँ वो एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा 350 रुपये का है, बट उन्होंने अंदर चिकन, चीज़, ब्रेड, मतलब के सब सुपर भरा हुआ था कि पूरा खाया ही नहीं गया। बड़ी मुश्किल से मैंने 70% खाया और मेरे गले तक आ गया 70% खाने के बाद भी, और मैंने फेंका, उसके बाद फेंकने का मन नहीं था, टेस्ट इतना शानदार था। ये आ गया जी आपका फेमस कौंसल टावर, ये वाला भी बहुत बड़ा है, ये 12th century में बना था जी, ओटोमन एम्पायर से पहले का ही है। ये भी आप बिल्कुल मेरे पीछे स्टारबक्स कैफ़े देखोगे तो उसके बिल्कुल सामने है। ये क्या करता था पहले, मतलब कि ये कह लो रेसिज्म का ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब रेसिज्म होता था यहाँ पे, तब मतलब के जो हाई क्लास कैटेगरी के लोग थे तो बिल्डिंग के इस तरफ रहते थे, जो लोअर क्लास कैटेगरी के हैं, जो हमारे इंडिया में वैसे तो अभी होता है बहुत ज़्यादा, कहने में है कि हम में इंडिया में रेसिज्म नहीं है, इंडिया में भी ठीक ठाक रेसिज्म है अभी भी, तो ये इस चीज़ को डिवाइड करते थे। आपको आँखों वाले घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, अब इसको टावर को क्रॉस करोगे ना, यहाँ भी आपको ट्रांसिल्वेनिया की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है इजीली बिकती नज़र आ जाएगी। लो जी ये वाला आ गया, वो पीछे उसको लार्ज स्केयर बोलते हैं, ये वाला स्मॉल स्केयर आ जाता है। अब बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत है आँखों वाली। एक अकेले बंदे का ना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो बेचारा किसको मिन्नत करे कि मेरी फ़ोटो खींच दो। अब पिक्चर हमारी रह जाती है, हम क्रॉस कर नहीं पाते, पिक्चर हमारी रह जाती है ऑलवेज। चलो यहाँ पे आपको एक न्यूली मैरिड कपल दिखाते हैं जिनकी शूट ऑफ चल रहा है, बड़ा प्यारा सा। यहाँ से टावर देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा हिस्टोरिकल ब्रिज है जी, बट अभी वो ब्रिज रेनोवेशन पे आपको ले चलता हूँ, नीचे से ब्रिज दिखा देता हूँ। ये भी यहाँ का हिस्टोरिकल है, 11th century में बना हुआ, बट अब वो पूरा रेनोवेशन में है जी। ये ओल्ड अपना कपल का शूट हो रहा है, प्री वेडिंग शूट, ये देख सकते हो। ये ओल्ड टाउन की वाइब्स ही कुछ ऐसी होती है, अपने वालों को कुछ मिले तो यहीं का शूट कराएं। अभी जी सारी आपकी शॉप्स गिफ्ट के लिए स्वीनियर शॉप्स आ गई ओल्ड टाउन के अंदर। यहाँ स्वीनियर्स बड़े खूबसूरत हैं, और मैं अभी जाऊँगा बुकारेस्ट में बाय करूँगा,
बट यहाँ पे आपको सिटी वाइज मिल जाएंगे। जैसे ये सीबू का है, आपको खाली सीबू का चाहिए तो सीबू का यहाँ मिल जाएगा। बुखारेस्ट में तो पूरा रोमानिया का मिलेगा। वैसे तो फिर मैं इसका ब्रासो का भी बाय करता हूँ, हर शहर का कहाँ से बाय करता रहूँगा। कोशिश होती है कि कंट्री का ही बाय करूँ, हर शहर का बाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राइस भी इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि कैरी करना बड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि आगे ट्रैवल करना होता है बहुत सी कंट्रियों में तो वेट बढ़ता जाता है। इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छी है सबके पास ना। प्राइस मैंने किसी से वही 10 है, किसी का 12 है, किसी का कुछ है। वो सिटी घूमने के लिए एक सबसे कन्वेंस और सबसे सस्ता तरीका ये भी है, अगर आप साइकिलिंग लेना चाहते हो, ये आप यहाँ से, इनकी मशीनें लगी हैं, मशीन से डाउनलोड कर सकते हो। ये 24 घंटे के लिए कुछ 49 रोमेनियन लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट समय के चलिए 900 रुपया 24 आवर के लिए लेते हैं। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन के थ्रू आप इनको पेमेंट कर दीजिए, वो कोड आ जाता है, फिर ऑटोमेटिक जो यहाँ पे लॉक लगा होता है वो खुल जाता है। अगर आप इस तरीके से सिटी घूमना चाहते हो तो ये भी तो भी खूबसूरत ये तरीका है और सस्ता भी है। बाकी यहाँ पे जो लोकल बसेस चलती हैं वो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में दिखाई थी, उसमें टोटल आपके 2 रोने लगते हैं। अगर आप लोकल बस के थ्रू ट्रैवल करना चाहोगे वो भी आसान है और उसके अंदर भी आपके टोटल 2 ही लगते हैं, मगर तकरीबन 33-34 रुपए लगते हैं। और क्या जितनी यहाँ पे लोकल बसेज हैं सब के अंदर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड हो जाता है। ये बेसिकली सीबू का सबसे पुराना होटल है जी, रोमेनियन एम्पोरियल करके, और सबसे रिस्पेक्टफुल होटल भी यही है यहाँ पे। इसकी तकरीबन समझो रेटिंग 9 पॉइंट पे है। एक आपको यहाँ पे ना आइसक्रीम सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे ये वाला काउंटर देख रहे हो, आइसक्रीम का यहाँ जलाटो के काउंटर मिलेंगे, हर मतलब के 5 मीटर पे कोई ना कोई दूसरा काउंटर आपको मिल जाएगा। बट वो क्या कि 2 स्कूप लेने का मतबल भी तकरीबन 300-350 रुपये है। महंगी बहुत है आइसक्रीम यहाँ पर और लोग खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये बेसिकली आप जब सेंटर से निकलते हो ना, ये शॉपिंग स्ट्रीट आ जाती है जी, इसको यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट बोल देते हैं। ये मशीन्स भी लगे हुई हैं उसकी आइसक्रीम की। लो जी भुट्टा भी है और भुट्टे का प्राइस है तकरीबन 8 रोमेनियन। 8 रोमेनियन मतलब हो गया आपका कुछ 120 रुपये। ये देखो फिर आ गया जलाटो, काउंटर ख़त्म होता दूसरा शुरू हो जाइए, दूसरा आ गया। ये तीसरा आ गया। बाकी सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या है जी, पूरे रोमानिया के अंदर ये केयरफोर है, इसे कैलेफोर भी बोलते हैं, केयरफोर भी बोलते हैं। इससे चीपर यही है यहाँ पे, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सस्ते में मिल जाएगा और जो आपका बजट का काम बहुत अच्छे से बना देंगे। इसके अंदर आपको फ्रूट्स रेडी टू ईट एवरीथिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये तकरीबन हर शहर में है, मेरे ब्रासो में भी था, वहाँ तो आपको शहरों में क्या कहते हैं बुखारेस्ट वाली अगर आपको वीडियो याद होगी तो उसमें तो बहुत ही बड़ा था, तो इससे आपका काम बड़ा बढ़िया बन जाएगा। चलिए जी शॉपिंग स्ट्रीट का एंजॉय लीजिए, फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। तो चलूँगा मैं अपने होस्ट के घर पे वापस, आज थकावट बड़ी है, सुबह के उठे हुए हैं, नींद आ रही है, तो रेस्ट करूँगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीबू की फ़र्स्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोग जब भी रोमानिया आओगे तो सीबू के अंदर जू ट्रैवल करोगे। वो जो वैसी बेकरी सुबह दिखाई थी ना सैंडविच वाली, ये वैसी दूसरी है। चलिए जी, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए लाइफ।